नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपके घर में कोई सा भी बोर्ड खराब हो तो उसकी वायरिंग कैसे करें, घर बैठे आप वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, 7x4 का बोर्ड हो जिसमें एक 5-pin सॉकेट हो, एक होल्डर हो और दो खटके हो, मतलब वन वे स्विच हो, तो उनका कनेक्शन कैसे करें, उनको एक साथ कनेक्ट कैसे करें, सिंपल तरीका बताऊंगा। तो घर बैठे भी आप कोई सा भी बोर्ड हो उसकी वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको मैं बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ जिसकी वायरिंग मुझे करनी है और आपको मैं बताऊँगा सिंपल तरीका कैसे कैसे वायर, फेज न्यूट्रल का वायर कौन सा होता है और उसको कैसे निकाले बाहर। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वायरिंग की जाती है, शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, आपके सामने बोर्ड दिख रहा होगा, दो वन वे स्विच है, एक होल्डर है और एक 5-pin सॉकेट है। तो इसकी वायरिंग करनी है, इसको बोर्ड को पलटने पर आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से, एक तो होल्डर है, दो एक होल्डर, दो वन वे स्विच मतलब खटके, एक 5-pin सॉकेट है, तो इनका कनेक्शन करना है। इसमें दोस्तों दो पॉइंट तो होल्डर के, दो पॉइंट मतलब दो दो पॉइंट है, सब में दो चक्कू आठ, मतलब आठ पॉइंट है, तो इनका कनेक्शन करना है। और लास्ट में फेज न्यूट्रल का वायर, दो वायर हमको निकालने हैं जो लाइट में लगेंगे। तो दोस्तों, कैसे कैसे कनेक्शन होगा तो वीडियो पर बने रहना, वीडियो को पूरी देखना ना भूले। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके घर में ऐसा बोर्ड हो तो सबसे पहले होल्डर का और 5-pin सॉकेट, मतलब 5-pin सॉकेट होल्डर का मतलब 5-pin सॉकेट ही होता है। आपको बता दूं, होल्डर का मतलब होल्डर है वो 5-pin सॉकेट का ही काम करता है। तो दोनों 5-pin सॉकेटों को हमने, मतलब दोनों 5-pin सॉकेटों को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो होल्डर का बायां पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट है, बायां पॉइंट बायां हाथ की तरफ है, तो इसका कनेक्शन हमको इसके साथ करना है। मतलब दोनों जो अंत के जो पॉइंट है कोने में, इनको हमको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंटों का। तो इसके लिए एक वायर ले लेते हैं जो आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से, नीला वायर है, इनको हम कनेक्ट इसमें करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना ना भूले, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों वायरों को दोनों पॉइंटों में। अब दोस्तों, इस पॉइंट में हम इसको कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट में तो कर दिया, इस पॉइंट में हम करेंगे। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट का कनेक्शन इस पॉइंट से कर दिया। अब दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या करना है, होल्डर का जो दूसरा पॉइंट बचा है, मतलब दाएं पॉइंट बचा है और इसका भी दाएं पॉइंट बचा है, तो इस दाएं पॉइंट का कनेक्शन इस वन वे स्विच के साथ करना है, क्योंकि दोनों 5-pin सॉकेट हैं, इनको तो कनेक्ट कर दिया, अभी इनको कनेक्ट करना है खटके के साथ। तो इस पॉइंट का कनेक्शन इस पॉइंट से करना है, मतलब खटके के ऊपर का पॉइंट का कनेक्शन हमको होल्डर के दाएं पॉइंट, मतलब जो दाएं हाथ है उसके, इस पॉइंट का कनेक्शन इस पॉइंट से करेंगे। तो उसके लिए एक वायर ले लेते हैं और फिर कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक वायर ले लेते हैं और कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरी देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट का कनेक्शन हमने इसके साथ कर दिया, आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से इस पॉइंट का कनेक्शन इस पॉइंट के साथ। अब दोस्तों, जैसा इसमें किया है वैसा ही हम इसमें करेंगे, मतलब इस पॉइंट का कनेक्शन इस पॉइंट से करेंगे, इसके बाय पॉइंट का कनेक्शन है वन वे स्विच के ऊपर के पॉइंट से करेंगे, मतलब दोनों पॉइंटों को हम कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए वायर ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंटों को हम कनेक्ट कर देते हैं वायर के साथ। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट का कनेक्शन हमने इसके साथ कर दिया, आपको कुछ प्रकार से दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, इनका तो कनेक्शन हो गया, अब दोनों ये पॉइंट बचे, तो इन दोनों पॉइंटों का कनेक्शन हम करेंगे एक साथ। तो इसके लिए एक वायर ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंट हैं बचे कुचे, इनका हम कनेक्शन करते हैं, फिर फेज जो न्यूट्रल का वायर है, दो तार निकलेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोनों पॉइंटों को हमने कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो हमने इन होल्डर का और इन जो 5-pin सॉकेट है इनका कनेक्शन किया, फिर हमने इस होल्डर के दाएं पॉइंट कनेक्शन इसके वन वे स्विच के साथ किया, फिर सेम टू सेम प्रोसेस हमने इसके साथ की और फिर दोनों पॉइंटों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, फेज न्यूट्रल का वायर कहाँ से निकाले, तो दोस्तों आपको बता दूँ, एक वायर तो यहाँ से निकलेगा, जो वायरिंग हो रही है दोनों जो हो रहे हैं कनेक्ट, तो एक वायरिंग तो यहाँ से निकलेगी और एक वायरिंग यहाँ से निकलेगी, आपको कुछ प्रकार से दिख रहा होगा। तो एक वायर तो यहाँ से निकाल देते हैं और एक वायर यहाँ से फेज न्यूट्रल का वायर हम निकाल देते हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरी देखना। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक वायर तो हमने यहाँ से निकाल दिया 5-pin सॉकेट के दाएं पॉइंट से। अब दोस्तों, एक वायर निकलेगा यहाँ से, तो इस वायर को भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ना भूले और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूले।
दोस्तों आपको दिख रहा होगा दूसरा वायर हमने निकाल दिया। तो सबसे पहले और दोबारा वायरिंग बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप ऐसी वायरिंग कर सकते हो। आपके घर में ऐसा बोर्ड रखा हुआ हो, ये भी दोस्तों वायरिंग इसकी करनी थी मुझको, तो दोनों दो तो वन वे स्विच हो, एक फाइव पिन सर्किट हो, एक होल्डर हो, तो उसका कनेक्शन कैसे करें, वायरिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैंने इस नीला वायर को इसके साथ कनेक्ट किया, फिर इस नीले वायर को इसके साथ कनेक्ट किया, फिर जैसा आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कैसे भी आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप ऐसी वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।